great loss for Indian cinema. I think ये पूरे देश भर की जो जनता है हम सब के लिए एक जज्बाती धक्का है और बहुत बड़ा लॉस है. देव साहब वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा रहे हैं और एक आइकॉन रहे हैं, ना सिर्फ एक जनरेशन के लिए नहीं लेकिन कई जनरेशन्स के लिए वो एक आइकॉन रहे हैं. हम सबको बहुत एंटरटेन किया है उन्होंने और एक जिंदा दिली से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है. एक कमाल की एनर्जी हमेशा रही है उनकी. तो उनके गुजर जाने से इट्स अ ग्रेट लॉस टू ऑल ऑफ अस. माय कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली. यू नो ही समवन विद अ ग्रेट एनर्जी, ही समवन हु ऑलवेज लुक्ड अहेड, ही समवन हु वाज नेवर डिस्करेज्ड इन लाइफ. ही इज ऑलवेज अ ग्रेट फाइटर. And I remember that, you know, Shammi uncle also has passed away, Dev Saab has passed away in the recent, you know, today. And the last time they both met together was at my get-together which I had held for Imran's marriage. So, us waqt Dev Saab bhi aaye the, Shammi uncle bhi aaye the. Aur bada achha laga tha unse milkar. Balki us din ki mere paas tasveer hai dono ki saath mein. Jo main aapko dunga, main Shilpa se bolta hoon, aapko denge. वो एक यादगार तस्वीर है, एक यादगार मोमेंट है हम सबके लिए वो. सो इट्स रियली रियली अ सैड लॉस फॉर ऑल ऑफ अस. देखो मैं नहीं साथ में नासिर साहब के साथ में दिल देखे देखो मैं काम नहीं किया था, उनके साथ किया था. तुमसा ने देखा दिल देखे. जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है, मैं नासिर साहब ने देव साहब के साथ काम किया था और बहुत ही कामयाब फिल्म हुई थी वो. उसका जो गाना है वो बड़ा कामयाब हुआ था, सारे ही गाने कामयाब हुए थे. और मुझे याद है कि देव साहब के बारे में नासिर साहब हमेशा अच्छा ही बोलते थे और बड़ी अच्छी यादें थी उनकी हमेशा देव साहब के बारे में. अमित दर्शक को अव्वल नंबर मैंने उनके साथ किया. मुझे याद है कि जो एक ही फिल्म है मेरे करियर की जो मैंने बगैर स्क्रिप्ट सुने साइन की थी और वो थी अव्वल नंबर, क्योंकि मेरे अब्बा जान भी बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं देव साहब के. तो एक दिन मैं कहीं बाहर था, उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ हो चुकी थी और काफ़ी कामयाब हुई थी फिल्म, तो मुझे कई ऑफ़र आने लगे. तो एक दिन मुझे मैं बाहर था तो मुझे फ़ोन आया, रीना के घर पे था मैं, मुझे फ़ोन आया अब्बा जान का और अब्बा जान ने कहा कि आमिर मैंने देव साहब का फ़ोन आया था और तुम फ़ौरन जाके उनसे मिलो और उन वो तुमको एक फ़िल्म में लेना चाहते हैं, उसका नाम है अव्वल नंबर. और मैंने तुम्हारे तरफ से हाँ कह दिया उनसे. मैंने कहा अब्बा जान मैंने तो अभी तक स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी है. ये सिर्फ नहीं, देव साहब को तुम कुछ मत पूछो, ना स्क्रिप्ट पूछोगे ना कुछ पूछोगे, उनके साथ तुमको काम करना ही है. तो मैंने अभी ऑलरेडी हाँ कह दी है, तुम जाके बस उनको मिलाओ. तो वो फिल्म मैंने उनके साथ की थी और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक मौका मिला इतने एक आइकॉनिक क्रिएटिव इंसान के साथ काम करने का. एंड आई रिमेम्बर कि जब मैंने उनके साथ काम किया तो उनके अंदर एक इतनी कमाल की एनर्जी थी. उम्र में वो कहीं ज़्यादा थे मुझसे, लेकिन जब कभी हम लोकेशन पे चलते थे, कभी पहाड़ पे चलना है, कहीं कहीं जाना है, तो वो एक कदम मेरे आगे ही रहते थे, इतनी एनर्जी थी उनमें. ही वाज अ लवली पर्सन, फुल ऑफ लाइफ, ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ. हमें दर्शकों ने आपको कैसे याद करेंगे आपको लगता है? फॉन्डेस्ट मेमोरी आपको? आई थिंक ही इज आई थिंक या आई थिंक देव साहब वाज द एपिटोम ऑफ रोमांस एंड द चार्मिंग हीरो हु ऑलवेज वन द हार्ट्स ऑफ द हीरोइंस एंड ऑफ ऑल द वुमेन इन इंडिया आल्सो. दर्शक मुझे हमेशा लगता है कि वो हमेशा उनको याद करेंगे बड़े प्यार से. देव साहब नॉट ओनली वॉज ही अ ग्रेट रोमांटिक हीरो बट ही वॉज अ इन हिज पर्सनल लाइफ ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है कोई स्टांस लेने का, कोई एक मजबूत कदम उठाने का, और देव साहब उनमें से एक थे हु यूज्ड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस व्हेन द नीड अरोज. ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन हिज पर्सनल लाइफ. मुझे इसके बारे में जानकारी इस वक्त नहीं है. या ही वाज वेरी डेबनेर एंड डैशिंग ऑलवेज, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड फुल ऑफ स्टाइल, फुल ऑफ स्टाइल. थैंक यू सो मच.